150। देखिए सब कैमरा निकाल के अभी वीडियो बना रहे हैं गाइस। ओह भाई ये तो और भी खतरनाक था गाइस। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ आप लोग सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस ये देखिए अभी का व्यू भाई, मस्त वेदर है अभी पूरी में। और गाइस वेदर तो मस्त है बट इधर का भीड़ ना बहुत ही खतरनाक टाइप का है। मेरे को अभी मेडिकल चौक से इधर आने को मेरे को 20-25 मिनट लग गया भाई। जो लोग पूरी में रहते हैं उन लोग को पता होगा मेडिकल चौक से यहाँ जिला स्कूल तरफ आने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगता है, बट इतना भीड़ है ना उधर से आने के लिए मेरे को अभी 20-25 मिनट लग गए भाई। बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ चलाने को मज़ा भी नहीं आ रहा है। सो गाइस मैं सोचा था कि जिधर रात है उधर जाके आएंगे बोल के, बट भीड़ देख के भाई मेरा मूड ही चेंज हो गया। मैं बोला भाई उधर नहीं जाना है, उधर जाके कुछ फ़ायदा ही नहीं है, इतना भीड़ है ना वहीं पे मेरा 15-20 मिनट चला जाएगा तो उधर जाके कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो हम लोग अभी किधर से जाएंगे वही मैं सोच रहा हूँ। सो क्यों ना कहा जाए हम लोग बीच साइड से जाते हैं और स्टर्लिंग तरफ भी जाते हैं। इधर तो घूमने के लिए कोई जगह है नहीं, इधर खाली रोड बस वही स्टर्लिंग की तरफ रहता है तो उधर ही जाके आते हैं गाइस। और मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या वीडियो बनाऊं, बट वेदर देखा बहुत बढ़िया है तो मैं सोचा चलो क्यों ना ऐसे ही थोड़ा घूम के आ लिया जाए भाई। इधर थोड़ा घूमते हैं, इधर का भी व्यू देखते हैं, इधर का सीन क्या है। मैं तो इधर आया नहीं हूँ, जब से पूरी आया हूँ इधर आया ही नहीं हूँ क्योंकि बीच तरफ भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। ये देखिए चलो कटवट मार के जाते हैं आगे। अंकल जी जाना है तो चलो, नहीं तो खड़े हो जाओ। ओह रुक जा, ऐसे ही करके रोकना पड़ेगा मेरे को। ओहो छोटे बच्चे लोग का रिएक्शन खतरनाक था। तो गाइस आप लोग क्या बोलते हो मैं ऐसे ही डेली ब्लॉग सब अपलोड करूं, और आपको ये सब पसंद आएगा कि नहीं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि हाँ आपको डेली ब्लॉग्स ही देखना है तो मैं ऐसे वीडियो डालूंगा, नहीं तो भाई वैसे ही 3-4 दिन में एक वीडियो आएगा। क्या बोलते हो आप लोग? आप लोग जो बोलोगे मैं वही करूंगा। और डेली ब्लॉग में देखा जाए तो भाई जो मैं करता हूँ इधर हम लोग जाएँगे नॉर्मली ऐसे ही, तो वो सब भी वीडियो में रहेगा। दोस्तों के साथ थोड़ा मिलेंगे वही सब रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके अपना थॉट्स बताइए कि आपको डेली ब्लॉग चाहिए कि नहीं, और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर लाऊंगा, और अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं नहीं लाऊंगा। सो गाइस अभी हम लोग लाइट हाउस की तरफ आके पहुंच चुके हैं और यहाँ देखिए डीजे चल रहा है भाई। किसी का शादी है, शादी मतलब बर्बादी भाई, डांस करो लेकिन बर्बादी तो उसका शुरू हो गया है। आज मौसम बहुत ही बढ़िया है तो भाई मैं घर पे रह के क्या ही करता। मैं बोला चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, शॉर्ट राइड पे निकलते हैं और आपको भी थोड़ा इधर बीच का मज़ा देते हैं। ये देखिए बीच कैसे दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है अभी, दिख तो अच्छा रहा है बीच तरफ का व्यू। अरे यार बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ रही है मेरे पे, चलो इसको ओवरटेक करते हैं। A few inches later. तो अभी थोड़ा भगा के आते हैं गाइस, बहुत दिन हो गया मैं भगाया नहीं हूँ अच्छे से, तो भगाते हैं थोड़ा। मजा आ गया गाइस, यही तो मजे है भाई। इधर बारिश हुआ था कि क्या पता नहीं, इधर पूरा रोड पूरा गीला हुआ है अभी भी, शायद गीला है।
इसका यार एबीएस ऑन कर देते हैं, एबीएस ऑफ है, एबीएस ऑन हो गया। चलो भगाते हैं थोड़ा। जल्दी टच करती है ना भाई, क्या ही बताऊं आपको। एक्चुअली क्या हुआ ना गाइस, रथ यात्रा के चलते सिटी में बहुत ही ज्यादा भीड़ है और उधर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मतलब आपको बस उधर फर्स्ट और सेकंड गियर में ही चलाना पड़ेगा, तो उधर भाई इरिटेट सा फील होता है। तो मैं सोचा भाई, वैसे ही दो तीन दिन से उधर वैसे ही चला चला के मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा भगाते हैं। इधर खाली है क्या? नहीं है यार, खाली नहीं है। इधर नहीं जाते हैं, फिर से पीछे लौट जाते हैं, इधर ही जाते हैं, इधर भगाएंगे। अरे यार ये क्या हुआ है, गाड़ी क्यों गिरी पड़ी है भाई ऐसे? अरे ये देखो, कॉर्नर पे लीन मारेंगे अभी। ओ भाई 150 हो गया भाई, 150 पे लीन मार रहे हैं भाई साहब। तो भाई क्या ही सीन है गाइस, मजा आ जाता है इसको ऐसे भगाने में। चलो यार, कि मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, आपको पता नहीं मजा आ रहा है कि नहीं, बता नहीं सकता, बट भाई मेरे को बहुत मजा आ रहा है। चलो और एक बार भगाते हैं, इधर पूरा रोल खाली है। ओह बट इधर से विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा है गाइस, विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा है। ओहो आराम से जाना पड़ेगा। भाई मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ, रुकिए यहाँ पे दिखाते हैं गाइस आपको। भाई पहले देख लीजिए बाइक कितना किलोमीटर तक चली है, 8,500 भी नहीं हुआ है, 8,364 किलोमीटर हुआ है। और टायर का कंडीशन देखिए गाइस, ये देखिए भाई टायर पूरा खत्म है, यहाँ पे पूरा दाग आपको दिख रहा होगा। भाई इसमें मैं बर्नआउट कुछ भी नहीं मारा हूँ, बट फिर भी इसका हालत ये हो गया है। और अभी देखिए, अभी जस्ट मैं ये पंचर हो गया था, इसको फिर से देखिए बना के आया हूँ। और ये देखिए गाइस, जहाँ पे हम लोग पंचर बनवा रहे हैं ना, वहाँ पे पता नहीं क्यों टायर ऐसे घिस जा रही है। तो भाई ये कंडीशन हो चुके हैं अभी टायर के, यहाँ पे आपको लाइन्स भी दिख रहा होगा, ये देखिए गाइस भाई ख़तरनाक कंडीशन हो गया है ये टायर का। मैं तो बर्नआउट कुछ भी ट्राई नहीं किया हूँ, बट फिर भी। तो गाइस आप लोग देख चुके हो ये मेटजलर टायर की ड्यूरेबिलिटी कितना है, भाई बहुत ही कम है गाइस। ये देखिए 9,000 भी नहीं गई है भाई, एटलीस्ट तो 12,000 तक तो जाना चाहिए। तो इतना जल्दी टायर कैसे ख़त्म हो गया? शायद मैं जो लॉन्ग टूर मारा है उसके चक्कर में ख़त्म हो गया कि क्या पता नहीं। यहाँ पर और एक बार व्हील ट्राई करते हैं गाइस। ओह रुको, कोई नहीं, आराम से। थोड़ा बहुत हुआ था, बढ़िया था गाइस। और एक दो ट्राई करेंगे उधर से। चलो इधर मारते हैं वेली। ओह भाई ये मस्त था गाइस,
और ये देखिए व्हीली ऐसे मारो चार लोग भाई कैमरा निकाल के खड़े हो जाएं वीडियो के लिए। ओह नाइस गाइस नाइस भाई, यही तो खास बात है, ऐसे व्हीली मारो चार लोग कैमरा निकाल के देखे आपका वीडियो बनाए, मजा आ गया गाइस, यही तो मजे हैं। व्हीली अभी बढ़िया तरीके से हो रहा है मेरे से भाई, प्रैक्टिस दो तीन दिन अच्छे से हुआ ना तो इसलिए मस्त हो रहा है। अभी देखते हैं और एक दो बार ट्राई करते हैं। चलो भाई रिएक्शन देखो गाइस, यही तो खास बात है, व्हीली मारिए रिएक्शन मिलेगा, व्हीली का डिमांड। ओह भाई ये तो बहुत ही लंबा था गाइस, और एक लड़का आ गया, देखिए सब कैमरा निकाल के अभी वीडियो बना रहे हैं गाइस। ओ भाई सही टाइम पे नहीं हुआ व्हीली, यहाँ से और एक बार ट्राई करेंगे। ओह भाई ये तो और भी खतरनाक था गाइस, ये भाई बहुत ही खतरनाक था, यहाँ से लौट जाते हैं। जोश में होश नहीं खोना है, आराम से मारना है व्हीली। नाइस ब्रो, भाई व्हीली के अलग ही मजे हैं। यहाँ पे और एक बार मारते हैं, बस हो जाएगा लास्ट वन। ओ भाई साहब बहुत ही बढ़िया था गाइस, भाई। सो गाइस अभी जो व्हीली मार रहा था ना यहाँ पे भाई, प्रैक्टिस जो चल रहा था उसका भाई रेस्पॉन्स बहुत ही खतरनाक था। वो भैया आए थे मिले, अच्छा से बात बात किए, फिर अभी वो गए। और गाइस कभी कभी मैं अपने बाइक को देखता हूँ भाई तो मेरे को खुद ही बिलीव नहीं होता है भाई, इतना सुंदर और इतना प्यारा कैसे लग सकता है भाई, क्या लग रही है ये बाइक भाई, खतरनाक। और रेस्पॉन्स जो मिलता है ना इसको देखने के बाद भाई, वो भाई क्रेजी रहता है भाई, तभी मेरे को लगता है कि हाँ जितना भी हम लोग इसमें खर्चा किए हैं वो वर्थ इट है। क्योंकि भाई अगर आप लोग कुछ मॉडिफाइड करवा रहे हो और लोग आके अगर तारीफ ना करें तो क्या ही फ़ायदा। सो अभी दोस्त लोग को कॉल किया था तो कोई रिसीव नहीं किया भाई, सब सोए हैं शायद, और इतना मस्त मौसम दिया है ना तो ठंडा ठंडा भी लग रहा है तो मस्त सोए होंगे। सो ठीक है गाइस, आज का वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय गाइज़।